हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी, मैं हूं नीलम। तो आज आपके साथ मैं ये लवली लवली सा सैलड डेकोरेशन की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो बहुत यूनिक है, बहुत इजी है और बहुत लवली है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो के अंत में अपने फीडबैक यानी कि कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बताइएगा कि आपको मेरे डेकोरेशन कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कटिंग किस तरह से कर रही हूँ, ये आप देख लीजिए। खासतौर से हर्ट शेप की जो कटिंग है वो आपको साइड से, जो मैंने कुकुम्बर कट किया है वैसे कट करना है आपको। यहाँ पर मैं सर्कल शेप में, ये देखिए, ये हर्ट शेप में कटिंग आप कर सकती हैं या लंबे लंबे स्लाइसेस के आपको ऐसे कट करने हैं। मैंने इसमें कहीं भी इन सभी को डेकोरेट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको कटिंग दिखा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैं किस तरह से कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कटिंग मैं कर रही हूँ, इससे आप बटरफ्लाई हर्ट से बिल्कुल इस तरह से ही आप बना सकती हैं। तो उसकी कटिंग आपको ऐसे करनी है, ठीक है। तो इसके लिए अब सैलड जो प्लेट है उसमें हम डेकोरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने लंबे लंबे शेप में कट किए थे आपको कुकुम्बर, तो उसको इस तरह से हम डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे सर्कल सर्कल शेप में। एक बात मैं और आपसे कहूँगी कि एक रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि अगर सैलड प्लेट में, दो प्लेट में सैलड डेकोरेट करने हो तो हम कैसे करेंगे। तो वहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर आप दो प्लेट में सैलड डेकोरेशन कर रही हैं, तो आपको अगर दो प्लेट में अलग अलग डिज़ाइन डेकोरेट करने हैं तो आप अलग अलग प्लेट में डेकोरेशन कर सकती हैं। अगर एक जैसे ही डेकोरेट करने हैं तो फिर उसको भी कर सकती हैं आप डेकोरेट, जैसा आपको लगे। तो कोई एक डिज़ाइन चुन के और अपने प्लेट में आप डेकोरेट कर लीजिए, कोई भी सिंपल सा, क्योंकि आमतौर से जब गेस्ट आते हैं तो हम सैलेड का डिज़ाइन जो है वो अलग तरीके से डेकोरेट करते हैं, जिसमें कि सारी सब्जियाँ आ जाए। तो इस बात के लिए को मतलब आप ध्यान में रखिएगा और उसके बाद आप डेकोरेट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये सुंदर सा डिज़ाइन मैंने बताया, आपने देखा कितना सिंपल सा डिज़ाइन है, बट कितना सुंदर लग रहा है। अब हार्ट शेप में देखिए, मैं इस तरह से हार्ट बना रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हार्ट कैसे हम बनाते हैं, तो बहुत सिंपल है, जो कटिंग जिसकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई हुई थी। और इस हार्ट शेप से ही बटरफ्लाई भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि स्कूल कॉम्पिटिशन हो तो इसे बटरफ्लाई हम कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको बहुत पहले बटरफ्लाई बहुत बार बताया, और इस तरह आप डेकोरेट करके हार्ट भी बना सकती हैं, बटरफ्लाई बना सकती हैं, या आप फ्लावर बना सकती हैं। और थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करके आप सैलेड को इजी तरीके से बना रही हैं। अगर सैलेड के प्लेट में आप डेकोरेट करिए और इस टाइप के आपको डेकोरेशन करने हैं, तो आपने देखा कि जो मैंने पहले डिज़ाइन बनाया था उसके बाद आप ये भी डिज़ाइन बना के डेकोरेट कर सकती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थर्ड डिज़ाइन दिखाऊँगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैं डेकोरेट करी हूँ और हार्ट यहाँ पर मैं शेप इस तरह कर रही हूँ। तो ये सैलेड का प्लेट कितना लवली लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और इस तरह से हम आसानी से अपने सैलेड के डेकोरेशन को डेकोरेट कर सकते हैं प्लेट में, बहुत सिंपल तरीके से। सब्जियां यहाँ पे अभी मौसम जो है, रेनी सीजन, यहाँ पे सारी सब्जियां अवेलेबल नहीं होती हैं, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी हो सब्जियों को इस तरह से कट करें जिसके पास सारी सब्जियाँ अवेलेबल हो। ये देखिए, तो आप सभी को ये सैलेड डेकोरेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए किसी लवली यूनिक डेकोरेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।